चैप्टर टू डिफरेंशिएशन एक्सरसाइज 2.3 क्वेश्चन नंबर 15 हमारे पास एक आज हमने सॉल्व करना है। इसका हमने डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स के। अगर हम इस क्वेश्चन को यहीं से स्टार्ट करना डेरिवेटिव लेना शुरू करते हैं तो हमारे पास दो रूल अप्लाई होंगे, एक होगा प्रोडक्ट रूल और दूसरा होगा कोशेंट रूल। तो पहले इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं ताकि कम से कम रूल इस पर अप्लाई हों। स्टार्ट करते हैं, इस फंक्शन को हम वाई के इक्वल लेट करते हैं। वाई इक्वल्स टू एक्स ए प्लस एक्स ओवर अंडर रूट ए माइनस एक्स। अब हम बस ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसको अगर हम एक्स स्क्वायर अंडर रूट लिखें और ये ए प्लस एक्स हो जाए ओवर ए माइनस एक्स, तो इसको अगर हम इसे कट कर लेते हैं दोबारा ये वैल्यू आ जाती है। तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं। अब इस टर्म को इससे मल्टीप्लाई करते हैं क्योंकि दोनों अंडर रूट में आ रही हैं, तो हम इसको यूँ लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर ए प्लस एक्स अंडर रूट ओवर, नीचे भी हमारे पास ए माइनस एक्स है। उसको हम मज़ीद सिंप्लीफाई कैसे कर सकते हैं, इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये आ जाएगा ए एक्स स्क्वायर, फिर एक्स को इससे मल्टीप्लाई करें तो बीच में आ जाएगा एक्स क्यूब ओवर, नीचे आ जाएगा हमारे पास ए माइनस एक्स और होल के पावर में 1/2 आ रहा है। अब इसको हम डेरिवेटिव लेके सॉल्व करते हैं। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो यहाँ आ जाएगा डी वाई बाय डी ऑफ एक्स इक्वल्स टू डी ओवर डी ऑफ एक्स ए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब ओवर ए माइनस एक्स पावर में 1/2। यहाँ पे हमारे पास पावर रूल अप्लाई होगा। पावर रूल क्या है कि जो हमारे पास पावर की वैल्यू होती है उसको हम स्टार्ट में ले आते हैं और फिर इसमें फंक्शन में से 1 लेस कर देते हैं। ये आ जाएगा 1/2 स्टार्ट में, फंक्शन हमारे पास है ए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब ओवर ए माइनस एक्स, पावर 1/2 थी, माइनस 1 लेस कर देंगे और डेरिवेटिव लेंगे जो पावर की वैल्यू आ रही है हमारे पास जिस चीज़ के ऊपर पावर हो। डी ओवर डी ऑफ एक्स डेरिवेटिव लेना हमने ए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब ओवर ए माइनस एक्स, इसका हमें डेरिवेटिव लेना होगा। अच्छा अब इसको सॉल्व करते हैं। 1/2 ए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब ओवर ए माइनस एक्स की पावर में माइनस 1/2, जब इसको एलसीएम लेंगे तो ये माइनस 1/2 बच जाएगा। अब हमें कोशेंट रूल अप्लाई होगा। यहाँ पे कोशेंट रूल क्या होता है, जब भी हमारे पास एफ ऑफ एक्स ओवर जी ऑफ एक्स कोई फंक्शन आ रहा हो तो वहाँ पे कोशेंट रूल अप्लाई करते हैं, नीचे वाली वैल्यू का स्क्वायर ले लेंगे, ए माइनस एक्स का स्क्वायर आ जाएगा। जो नीचे वाला फंक्शन होता है उसका हमने स्क्वायर लेना है। इस फंक्शन को एक बार हम एज इट इज लिखेंगे, हमारे पास है ए माइनस एक्स, एज इट इज लिखना है हमने, और डेरिवेटिव लेना है ऊपर वाली टर्म का। ऊपर वाली टर्म हमारे पास है ए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब, माइनस साइन आएगा क्योंकि हमारे पास ये माइनस टर्म आ रही है। ये टर्म एज इट इज लिखेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब और डेरिवेटिव आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पे आगे आएगा डेरिवेटिव आ जाएगा ए माइनस एक्स का, फर्स्ट टर्म का डेरिवेटिव आ जाएगा। आगे सॉल्व करते हैं। डी वाई बाय डी ऑफ एक्स फंक्शन है, इसको हम यहाँ पे दोबारा से लिख लेते हैं। डी वाई बाय डी ऑफ एक्स इक्वल्स टू 1/2 ए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब ओवर ए माइनस एक्स माइनस 1/2, और हमारे पास क्या था दोबारा से लिख लेते हैं, ए माइनस एक्स का स्क्वायर हमें ये लिखना था एक बार एज इट इज। फिर हमें डेरिवेटिव लेना था ऊपर वाले फंक्शन का, ए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब एज इट इज, और डेरिवेटिव लेना था हमें नीचे वाली टर्म का, इसका ए माइनस एक्स। हम सॉल्व करते हैं इसको, ये आ जाएगा 1/2 ए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब ओवर ए माइनस एक्स का होल माइनस 1/2। अब इसका हम सबको डेरिवेटिव सॉल्व करते हैं, ए माइनस एक्स का स्क्वायर ये आ जाएगा एज इट इज ए माइनस एक्स, इसका डेरिवेटिव लेते हैं, ए एक्स स्क्वायर है तो ये हमारे पास बन जाएगा 2ax, मींस जो पावर है वो स्टार्ट में आ जाएगी और फिर इसमें से 1 लेस कर देंगे, प्लस इसी तरह से x की 3 है तो 3 स्टार्ट में आ जाएगा फिर x और 3 में से हम 1 लेस कर देंगे तो 2 बन जाएगा माइनस, ये हमारे पास है ए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब
और इसका डेरिवेटिव लें तो एक कॉन्स्टेंट टर्म है और माइनस एक्स है, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस वन, वन बाय टू। इनको ऊपर नीचे वाली वैल्यूज को सेपरेट कर लेते हैं, ए एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स क्यूब माइनस वन बाय टू आ रहा है, ओवर नीचे वाली टर्म ए माइनस एक्स की माइनस वन बाय टू आ रहा है। नीचे वाली वैल्यू एज इट इज लिखेंगे स्क्वेयर, यहाँ आ रहा है ए माइनस एक्स। अच्छा, इसको अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं इन टर्म्स को, ठीक है, ये टर्म ऐसे लिखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे हम अगर मल्टीप्लाई करते हैं ए एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स क्यूब माइनस वन बाय टू ओवर ए माइनस एक्स माइनस वन बाय टू, हम मल्टीप्लाई करते हैं सब टर्म्स को, तो ये हो जाएगा ए को पहले मल्टीप्लाई करेंगे टू ए एक्स, तो ये हो जाएगा टू ए स्क्वेयर एक्स, फिर एक मल्टीप्लाई करेंगे थ्री एक्स स्क्वेयर से, तो ये आ जाएगा प्लस थ्री ए एक्स स्क्वेयर। अब माइनस एक्स को इससे मल्टीप्लाई करेंगे माइनस टू ए एक्स स्क्वेयर, फिर माइनस एक्स को इससे करेंगे तो माइनस थ्री एक्स क्यूब। अब ये माइनस साइन है, ये माइनस साइन, तो ये हो जाएगा प्लस और ए एक्स स्क्वेयर और प्लस एक्स की क्यूब। अब इन टर्म्स को हम सिंप्लीफाई करते हैं, यहां पे देखते हैं ये टर्म और ये टर्म हमारे पास सेम आ रही हैं, और ये भी इसके साथ सेम आ रही हैं, तो हम इसको सोल्व करते हैं। यहाँ पे वन बाय टू ए एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स क्यूब माइनस वन बाय टू ओवर ए माइनस एक्स माइनस वन बाय टू ओवर ए माइनस एक्स का स्क्वेयर। इनको हम सिंप्लीफाई करें, थ्री में से टू निकालेंगे वन, और वन और वन टू ए एक्स स्क्वेयर बन जाएगा। ये हमारे पास क्या है, टू ए स्क्वेयर एक्स, और ये जो दो टर्म्स हैं ये दोनों एक्स क्यूब वाली हैं, तो माइनस थ्री में से वन निकाल देंगे तो ये बन जाएगा माइनस टू एक्स क्यूब। यहाँ तक हो गया, आगे हमारे पास ये वन बाय टू है ए एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स क्यूब माइनस वन बाय टू ओवर ए माइनस एक्स माइनस वन बाय टू। इनमें से हम टू एक्स कॉमन ले सकते हैं, टू एक्स कॉमन आ जाएगा, यहाँ पर रह जाएगा ए और एक एक्स प्लस, टू एक्स कॉमन निकल गया तो ए स्क्वेयर रह जाएगा, टू एक्स कॉमन निकल गया तो एक्स स्क्वेयर रह जाएगा ओवर ए माइनस एक्स का होल स्क्वेयर। ये टू कट जाएगा इसके साथ, अब हमारे पास ये आ जाएगा वन, यहाँ पे रह जाएगा, इसको अगर हम नीचे ओवर में ले जाएं तो ये बन प्लस में हो जाता है ए एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स की थ्री, और ये बन जाएगा अंडर रूट, यहाँ पे ऊपर टर्म रह जाएगी एक्स ए एक्स प्लस ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर ओवर, नीचे ये दोनों टर्म्स हैं, इन दोनों के ए माइनस एक्स ए माइनस एक्स बेसिस सेम है, तो ये जो पावर्स हैं ये दोनों ऐड हो जाएंगी, तो ए माइनस एक्स है इसकी पावर में माइनस वन बाय टू है और प्लस टू है। अब हमारे पास ये रह जाएगा एक्स ए एक्स प्लस ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर है, जैसे हमने स्टार्ट में किया था कि हमने एक्स को एक्स स्क्वेयर अंडर रूट लिख लिया था, तो अगर हम इसमें से दोबारा से निकालना चाहें इस एक्स को, यूं हम इसको कर सकते हैं, ये आ जाएगा कॉमन ले लें इसमें से एक्स, एक्स कॉमन ले लें इन दोनों वैल्यूज में से, तो ये आ जाएगा ए एक्स प्लस एक्स स्क्वेयर ए माइनस एक्स, इसकी पावर में ये आ जाएगा थ्री बाय टू। इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये एक्स जो सा है बाहर निकल जाएगा, एक्स ए एक्स प्लस ए स्क्वेयर जो हमने स्टार्ट में किया था उसको हम वापस ख़त्म कर देंगे, ए एक्स माइनस एक्स स्क्वेयर ओवर, यहाँ पे x बाहर निकल आएगा तो सिर्फ x रह जाएगा, और ये आ जाएगा अंडर रूट में ए एक्स प्लस एक्स स्क्वेयर ओवर, और आएगा a माइनस एक्स की पावर में थ्री बाय टू, तो ये x x से कैंसिल, तो बस क्या सॉल्यूशन आया, dy वाई बाई डी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू ए एक्स प्लस ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर ओवर, यहाँ पर ये टर्म रहेगी थी अंडर रूट में ए एक्स प्लस एक्स स्क्वेयर, और दूसरी वैल्यू क्या है हमारे पास a माइनस एक्स की पावर में थ्री बाय टू, थोड़ा लेंथी है लेकिन इसके ये इजी स्टेप्स।